आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। उद्धव से छीना शिवसेना का नाम और तीर कमान, तो सामने आई कंगना रनौत और जो बोला चौंक जाएगा ठाकरे परिवार। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर हाल ही में जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया उसकी चर्चा अब हर तरफ देखने को मिल रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान तीर कमान एकनाथ शिंदे और गुट को सौंप दिया है। इस फैसले के बाद हर किसी की नजर इस पर टिकी थी कि आखिर कंगना रनौत इस फैसले पर क्या रिएक्शन देगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ कंगना की तनातनी जग जाहिर है। और अब इस मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिएक्ट भी कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और जो कुछ कहा उसे सुनकर ठाकरे भी चौंक जाएंगे। अब निर्वाचन आयोग ने शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह धनुष तीर पर हक को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। ईसीआई ने शिवसेना और उसके सिंबल को शिंदे गुट के साथ बरकरार रखा है और इस तरह से उद्धव ठाकरे को अपने पिता बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी गंवानी पड़ गई है। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई में शिंदे गुट की जीत पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीइंग ह्यूमन नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, कंगना की भविष्यवाणी सच हुई, उन्हें ऐसे ही क्वीन नहीं कहा जाता। इसके जवाब में कंगना ने लिखा, भले ही मैंने किया लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं थी, सिर्फ कॉमन सेंस की बात थी। कंगना का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि जो साधुओं की हत्या और स्त्री का अपमान करे उसका पतन निश्चित है। अपने इस ट्वीट में कंगना ने हैशटैग के साथ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के नाम भी लिखे थे। कंगना के इस जवाब पर ब्रांड एजेंसी नाम के ट्विटर हैंडल ने रिप्लाई किया, यही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वक्त आपके साथ हो या नहीं हो आप अन्याय को किस्मत समझकर स्वीकार नहीं करती, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, इसे कभी बदलने मत देना। इस पर कंगना ने जवाब देते हुए लिखा, कुकर्म करने से तो देवताओं के राजा इंद्र भी स्वर्ग से गिर जाया करते हैं, वो तो सिर्फ एक नेता है। जब उसने अन्याय पूर्वक मेरा घर तोड़ा था मैं समझ गई थी ये शीघ्र ही गिरेगा। देवता अच्छे कर्मों से उठ सकते हैं लेकिन स्त्री का अपमान करने वाले नीच मनुष्य नहीं, ये अब कभी उठ नहीं पाएगा। दरअसल कंगना का सीधे तौर पर आरोप रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस केस को दबा दिया। उद्धव सेना पर उनके इन्हीं आरोपों के बाद बीएमसी ने कंगना के मुंबई स्थित घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और संजय राउत ने अभिनेत्री पर विवादित टिप्पणी भी की थी। घर टूटने के बाद कंगना ने एक वीडियो संदेश जारी कर उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेताओं पर निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। लेकिन अब बीते 2 सालों के दौरान उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। लोग बोलने लगे कि कंगना का श्राप लगा है और उसके बाद तो मानो शिवसेना का पतन ही शुरू हो गया, उन्हें पार्टी भी गंवानी पड़ी। शिवसेना में शिंदे गुट की बगावत के बाद एमवीए सरकार गिर गई। शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल की हवा खानी पड़ी। संजय राउत भी पात्रा चौल घोटाले में जेल गए। वहीं पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को अपना पद गंवाना पड़ा और वो भी अब जांच का सामना कर रहे हैं। कंगना रनौत के पुराने बयान भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि कंगना रनौत ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच हो गई। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।